कर सके, इसके लिए हमारे जनता का सहयोग भी हम लोगों को चाहिए। मैं सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं माननीय मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द कहें। हम सबके परम सम्मानी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, सम्मानी बड़े भैया श्री ताम्रध्वज साहू जी, अकबर भाई, डॉक्टर डहरिया जी, अनिला भेड़िया जी, अमरजीत भगत जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, सम्मानी सीएस साहब, एसीएस साहब, सभी जिलों से जुड़े हुए हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण, हमारा सौभाग्य है कि पूरे 5 साल आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास की सारी संभावनाओं को हमने न केवल तय किया बल्कि अधोसंरचना के विकास में लगभग कहीं भी राशि की कमी नहीं आने दी। आज जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि 6,500 करोड़ से भी अधिक की राशि का भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैं जिला प्रशासन के सारे अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कि जितने भी काम अभी भूमि पूजन का आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से वर्चुअली संपन्न हुआ, अब चूंकि हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इलेक्शन की ओर जा रहे हैं तो बहुत जल्द इन कार्यों को प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए और जो कार्य लोकार्पित हुए, जनता को समर्पित हुए, उन कार्यों को प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं इन सारे कार्यों को होने के बाद जनता को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी और इस बात का भी विश्वास करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के नेतृत्व में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जो लगातार विकास का कार्य चल रहा है, आने वाले समय में भी आप सबका, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इन विकास के रास्तों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं माननीय मंत्री श्री दामोदर साहू जी से अनुरोध करूंगा कि उद्बोधन देने का कष्ट करें। आज हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। एक ही दिन में 6,000-7,000 करोड़ की राशि कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण संपन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद अनेक काम हुए। हम लोगों ने जो घोषणा पत्र में वादे किए उनको भी पूरा किया, जो वादे नहीं किए थे उनको भी हम लोगों ने शुरुआत की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक योजनाएं नई नई बनाई, सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए योजनाएं बनी और उन योजनाओं को धरातल पर उतारा भी गया। चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, कोटवार हो, पटेल हो, मितानिन हो, गौठान के लोग हों, सरपंच हों, सारे लोगों के लिए योजनाएं बनी, न केवल मैदानी इलाके में वरन वनांचल के इलाकों के लिए भी सर्वाधिक योजनाएं बनी। चाहे वो सड़क हो, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे नहर हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे अस्पताल हो, अधोसंरचनाओं के विकास के क्षेत्र में मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि इन 5 वर्षों में लाखों करोड़ रुपये के भूमि पूजन लोकार्पण के कार्यक्रम हुए हैं और ये तो मात्र एक उदाहरण है कि आज एक दिन में पूरे प्रदेश के सभी 26 जिलों में 6,000 करोड़ से अधिक की राशि के भूमि पूजन और उद्घाटन होना अपने आप में प्रमाणित करता है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है उसने अपना काम सर्वहारा वर्ग के विकास को सामने रखकर योजनाएं भी बनाई और उन काम को पूरा भी किया। मैं इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, माननीय मंत्री अमरजीत जी, माननीय मंत्री शिव कुमार डेहरिया जी, माननीय मंत्री आदरणीय अनिला भेड़िया जी, डॉक्टर प्रेम साय जी, संसदीय सचिव चिंतामणि जी, हमारे और भी उपस्थित विधायक साथी, अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे चीफ सेक्रेटरी आदरणीय अमिताभ जैन जी, एसीएस सुब्रत जी और हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण और सभी जिलों से जुड़े हुए हमारे कलेक्टर, एसपी, अधिकारीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और छत्तीसगढ़ की जनता को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और अंत में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी बहुत बहुत बधाई
और शुभकामना देता हूँ कि उनके सबल नेतृत्व का परिणाम है कि हमारा छत्तीसगढ़ चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हुआ है इन 5 वर्षों में। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद सर। मैं आखिरी कड़ी में मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन, सबसे पहले तो आज कैबिनेट की बैठक हुई, बहुत सारे फैसले भी लिए गए। दूसरा, चिटफंड कंपनी में जो निवेश किए थे उसमें वापसी के काम बेमेतरा और कोरिया जिले में, और आज विकास कार्यों के भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न हुए। 5 साल पहले हम लोगों ने छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लेकर, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़े। 5 साल पूरा होते होते आपने देखा कि आज लोकार्पण 2668 करोड़ के, शिलान्यास 606 करोड़ के और भूमि पूजन 2805 करोड़ के, कुल मिला के 6080 करोड़ रुपए की राशि का आज शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। आदरणीय साथियों, एक तरफ लगातार निर्माण कार्य चलते रहे, दूसरी तरफ जो किसान है, मजदूर है, लघु उनका संग्राहक हैं, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, भाई अमरजीत जी, सिरेरिया जी, अनिला भेड़िया जी, साथी विधायक साथी आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, आदरणीय चिंतामणि महाराज, आदरणीय चक्रधर जी और पुत्री जांगड़े जी, साथ ही जिलों से जुड़े हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और हमारे सीएस साहब, एसीएस साहब, सभी अधिकारीगण, जिले से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उपस्थित देवियों सज्जनों, आज जो निर्माण कार्य के जो भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इसमें आप ये देखेंगे 26 जिले में ये आज हम लोगों ने एक कार्य संपन्न किया। इसमें जो आदिवासी बहुल जिले हैं उसमें राशियों निर्माण कार्यों के लोकार्पण, भूमि पूजन, शिलान्यास ज्यादा हुआ है। बलरामपुर हो गया, सूरजपुर में तो 734 करोड़ का हुआ है, बलरामपुर में 393 करोड़ का हुआ है। उसी प्रकार से जसपुर 444 करोड़ का हुआ है, दंतेवाड़ा 495 करोड़ का हुआ है, नारायणपुर 302 करोड़ का हुआ है। तो जो दूरस्थ अंचल हैं उसमें हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया, उस एरिया, उस क्षेत्र में, चाहे सड़क निर्माण की बात हो, सीमेंटीकरण की बात हो, पुल पुलिया की बात हो, जितने निर्माण कार्य हैं हम लोगों ने उसे प्राथमिकता दी। उसके साथ साथ आम जनता के आय में वृद्धि करने के लिए हमारी सरकार ने लगातार काम किए हैं, और उसमें आप देखेंगे कि जब जब चाहे किसानों के आय में वृद्धि करने के लिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा कीमत, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे वो कोदो कुटकी रागी उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, इन किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। लघु उपज संग्रहण में देश का 3/4 लघु उपज छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है, तेंदुपत्ता सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार से आय में वृद्धि करने का काम, उसी प्रकार से जो आवास योजना, कल राहुल गांधी जी आए थे, 7 लाख लोगों को आवास के लिए पहली किस्त हर हितग्राही के खाते में 25-25 हजार रुपये डालने का फैसला, और जनगणना नहीं हुआ फिर भी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण किया, जो 2011 में जो हुआ था आर्थिक सर्वेक्षण, उसके आधार पे 7 लाख लोगों को मिला। अब नए जो हितग्राही हैं उनको भी हम लोगों ने इसमें शामिल किया और 47 हजार लोगों को पहली किस्त उसके खाते में डाला है। जो श्रमिक हैं उनको हम लोगों ने भवन बनाने के लिए राशि दी। तो गरीबों के लिए
जो हमारे आदिवासी भाई जो लघुवन पर संग्रह करते हैं, बेरोजगार साथी उसे 2,500 रुपये प्रति माह की रूप राशि दे रहे हैं, भूमि श्रमिक जिसको 7,000 रुपये सालाना दे रहे हैं, तो आय में वृद्धि कैसे हो, ये हमारी कोशिश। दो दो रुपये किलो में गोबर खरीदना, जो हमारे गौपालक हैं जो डेयरी चलाते हैं उनके लिए ये व्यवस्था हम लोगों ने की। तो लगातार कोशिश यही है कि कैसे हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के आय में वृद्धि हो। अब गौठान के माध्यम से बहुत सारी गतिविधियां हम लोग संचालित कर रहे हैं, तो वहीं रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, इसकी भी शुरुआत हम लोगों ने की ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। उसके विक्रय करने के लिए सीमार्ट का भी निर्माण हम लोगों ने किया है। तो प्रयास यही है कि आय में निरंतर वृद्धि हो। और दूसरे तरफ अभी जो शिक्षा है उसके भी गुणवत्ता में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। स्कूल बनाने का काम है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने का काम है, लाखों बच्चे हमारे अंग्रेजी अब पढ़ रहे हैं। स्कूल निर्माण में भी पहले हम लोगों ने 1100 करोड़ किया था, फिर अभी 2000 करोड़ के और स्वीकृति मिली है। तो जितने हमारे स्कूल है जो हम विद्या के मंदिर कहते हैं वो बहुत सुंदर बने, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, छत्तीसगढ़ के स्कूल बहुत बढ़िया बनना चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूँ पहली बार इतनी राशि दी गई है, इसके पहले कभी किसी राज्य में इतनी राशि एक साथ नहीं दिया गया, ये बड़ी उपलब्धि। उसी प्रकार से बेरोजगारों को ट्रेनिंग देने के लिए आईटीआई का उन्नयन किया जा रहा है। 36 आईटीआई के लिए हम लोगों ने 1200 करोड़ रुपया की राशि उसमें भी रखा है। अब शिक्षा के बाद स्वास्थ्य के दिशा में आप देखेंगे हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेके जो हमारे जिला अस्पताल हैं और चाहे ब्लॉक हेडक्वार्टर में अस्पताल है, उसको सुदृढ़ीकरण करने का काम, बहुत सारे जांच हैं वो मुफ्त में किए जा रहे हैं। जिला अस्पतालों में 70 से 110 प्रकार की जांच मुफ्त में किया जा रहा है। 5 लाख रुपया डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के माध्यम से, विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना मुख्यमंत्री के नाम से 25 लाख तक के सुविधा दी जा रही है। तो इस प्रकार से लगातार कोशिश है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आय में वृद्धि है, रोजगार है। और हम लोग नए नए नवाचार के आदिवासी नृत्य महोत्सव हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कराए, युवा महोत्सव हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कराए, फिर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हम लोग करा रहे हैं, तो उस दिशा में भी लगातार काम। और फिर जो हमारी आस्था है, परंपरा है, चाहे वो देवगुड़ी पूजन की रही हो, चाहे गोटुल की रही हो, चाहे हमारे रामवन गमन पर्यटन परिपथ हो, चाहे हमारे सतनामी भाई बड़ी संख्या में यहाँ निवास करते हैं तो आदर्श जैत खाम निर्माण करने का, मॉडल जैत खाम निर्माण करने का ये काम हम लोगों ने हाथ में लिया है। वहीं कबीरपंथी भाइयों के लिए हम लोगों ने दामाखेड़ा में बहुत सुंदर कबीर सरोवर का निर्माण का भी कार्य लगातार चल रहा है। तो प्रयास यही है कि चौमुखी विकास हो और अधोसंरचना के भी निर्माण में लगातार हम लोग यहाँ 2 यूनिवर्सिटी हम लोग खोले, 33 महाविद्यालय खोले, स्कूल लगातार हम लोग खोल रहे हैं। पिछले सरकार में 3,000 से अधिक स्कूल बंद हो गए थे, नक्सली क्षेत्र में जो स्कूलें बंद थी उसको फिर से हम लोगों ने शुरुआत की। तो प्रयास यही है कि अधोसंरचना में भी अब कोई कमी ना हो। अबूझमाड़ जैसी जगह में आपने देखा होगा कि इंद्रावती नदी में दो दो बड़े पुल हम लोगों ने निर्माण किया ताकि वहाँ के लोग इधर चाहे वो बीजापुर, दंतेवाड़ा या बस्तर जिला आ सकें, इसके लिए प्रयास। और अबूझमाड़ क्षेत्र में भी गांव के सर्वे हम लोग कराने काम कर रहे हैं, लगभग 500 बसाहट है उसमें से 100 से अधिक गांव में हम लोग सर्वे भी किए और उन आदिवासियों को हम लोगों ने मसाती पट्टा भी दिया, उसके जमीन के सुधार के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ ट्यूबवेल लगा रहे हैं, उसके धान खरीदी की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो,